हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम, मेरे किचन कुक विथ गुड मूड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया रिंग स्नैक्स बनाई हूँ जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप बारिश के मौसम में चाय के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए हमारे किचन में स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ। उसके बाद मैं कटी हुई प्याज को थोड़ा महीन काटना है, स्क्वायर में काटना है। उसके बाद मैं हरी मिर्ची डाल दी, यदि आपके बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो नहीं डालिएगा। उसके बाद मैं एक कटोरी सूजी डाली हूँ, सूजी को थोड़ा सा फ्राई करना है, 100% नहीं, 25% उसे फ्राई करना है। उसके बाद मैं डायरेक्ट उसमें जीरा डाल दी हूँ, खड़ा जीरा, थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हूँ, ये ज़्यादा तीखी वाली है, लाल मिर्च नहीं है। यदि आप तीखा नहीं पसंद करते होंगे तो इसे स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद मैं 4 से 5 आलू ली हूँ, इसे मैं उसी में डायरेक्ट डाल दूंगी फोड़ के। उसके बाद मैं इसे पकने दूंगी। पकते समय मैं स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से भून लूंगी, भूनते भूनते ये सूख जाएगा। उसके बाद मैं इसे नीचे उतार लूँगी। इसे मैं अच्छे से हाथ से मसल मसल के इसे मैं ही कर लूँगी, एकदम महीन स्मूथ कर लेना है। इसे मैं पहले कटोरे में निकाल लेती हूँ, बड़ा बर्तन में निकाल ली हूँ जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और मैं इससे इसको अपने हाथों से मसल लूँगी। मसल के देखिए ये एकदम चिकना हो गया है, मैं इसका अब लोई बना लेती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपको बहुत ही अच्छी टेस्टी लगेगी भी, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोई बनाने के बाद मैं डायरेक्ट डेस्क को साफ करके मैं वहीं पे इसे मैं हाथ से थपथपा ली हूँ। इसे हाथ से थपथपा के चारों तरफ एकदम से अच्छे से चिकना कर लेना है, एक जैसा, ना कहीं महीन, ना मोटा, ना पतला। अब मैं एक छोटा सा ग्लास ले ली हूँ, उस ग्लास कट कर लूँगी। उसके बाद मैं एक छोटा सा डब्बे का ढक्कन ले ली हूँ, उस ढक्कन से मैं बीच में कट करूँगी। ये घर का जुगाड़ है, यदि आपके पास रिंग कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। अब मैं इसी तरह से काट के सब रख लूँगी एक साइड में। कढ़ाही में मैं तेल भी गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ, ज़्यादा इसमें तेल नहीं डालना है और तेल को हाई फ्लेम पे बहुत ही गर्म करना है, हीट गर्म करना है। उसके बाद मैं इसमें रिंग को डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा तेल लगता नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, आपको चाय के साथ भी बहुत पसंद आएगी। बारिश के मौसम में आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से मैं कट करके सारा मैं तल लूँगी। आप इसे चटनी के साथ ट्राई कीजिए, चाय के साथ ट्राई कीजिए, आप जैसे चाहें खा सकते हैं। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।